नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूँ। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार लोग हमारे साथ जुड़े हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी, इंसा का आखिर क्या मानना है लोगों का इनके बारे में, और आज भी क्यों डेरा सच्चा सौदा के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, क्यों लोग आज भी डेरा सच्चा सौदा आते हैं, जानते हैं लोगों से यहाँ पर आने वाले जो आज भी लोग आते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है सर जी? मेरा नाम सुरेंद्र कंबोज है। सर डेरे से जुड़े हो? जी बिल्कुल। सर कब से जुड़े हो? मैं लगभग 1997-98 से जुड़ा हूँ जी। सर इतना लंबा समय हो गया, कैसा माहौल देखा है आखिर आपने गुरुजी के यहाँ? जी इस माहौल का तो सारा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया वापसी का इस माहौल से। ये बताने का हमारा तो एक ये है कि दिया एक सिर्फ एक दिया होगा इस मौके, बहुत ही नॉर्मल टर्म्स हैं, इसको बताने का हमें कोई महत्व ही नहीं है, ना हम बता सकते कि इस माहौल को तो दुनिया जानती है, दुनिया ने देखा है ये सब चीज़ों। जी सर, मीडिया चैनलों पे तो कुछ और ही तस्वीर दिखाई गई। जी मीडिया के बारे में क्या बताएं, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं, मीडिया का सच सबके सामने आ रहा है। लगभग आपको देख रहे हैं दिन प्रतिदिन जो आंदोलन हो रहे हैं, अभी हाल ही में किसान आंदोलन हो रहा है। आज क्या है कि मीडिया TRP के चक्कर में और कुछ एक प्राइवेट सेक्टर के हाथों, कुछ पूंजीपतियों के हाथों मीडिया बिक चुका है। तो अब क्या है कि हमें तो खुद को मीडिया पे विश्वास करना बड़ा मुश्किल हो रहा है आज के दौर में। लोगों को समझ ही नहीं आ रही कि किस बात पे विश्वास किया जाए और किस पे ना किया जाए। सर आप कहते हो कि मीडिया चैनलों ने गलत दिखाया, मगर गुरुजी पे एलिगेशन जो लगाए गए उसके बारे में क्या कहोगे? जी देखो, मान्य अदालत ने जो भी न्याय किया है बड़ा सोच समझ के किया है, पर इसमें भी गुपचुप तरीके से आज का दौर बड़ा ही गलत दौर चल रहा है। सच को दबाया जा रहा है, झूठ को बढ़ा जाकर चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। आपने देखा होगा गुरुजी के ऊपर काफ़ी चार्जेस लगे, हम बात कर लेते हैं जैसे मटर का चार्ज लगा है या फिर कुछ और रेप वगैरह के चार्ज लगे हैं। तो रेप में कोई मेडिकल व्यू ही नहीं है उनके पास, कुछ मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, तो आप कैसे लगा देंगे? और एक बड़ी ही नाजुक स्थिति ये आई कि जिस आदमी के थ्रू, शायद कोई ड्राइवर है खट्टा सिंह, उसके थ्रू लगाया गया कि वो ये बोल रहा है कि जब भी कोई साजिश हुई है तो मैं साथ था। आप बताइए, हम दोनों लोग साथ हैं तो साजिश हुई तो दोनों लोगों के बीच में हुई होगी। तो एक तो माननीय अदालत ने उन्हें उम्र कैद की या किसी भी तरह की सजा दे दी, और दूसरा आदमी बाहर फिर रहा है, अगर साजिशकर्ता साथ है तो फिर ये क्या हुआ? बहुत बड़ी बात कही है सर आपने। सर पंचकुला कांड के बारे में पूछना चाहेंगे, लोग जानना चाहेंगे आखिर क्या हुआ था उस दिन, सच्चाई क्या थी आखिर? पंचकुला कांड भुलाया नहीं जा सकता, बड़ा ही वो दिन काले ध्वज के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि पंचकुला कांड तो आपने देखा ही होगा कि कुछ शरारती तत्व या मान लो पुलिस द्वारा या मान लो सरकारी षड्यंत्र का गलत प्रयोग करके ये सब कुछ रचा गया, और इसमें डेरा सच्चा सौदा का कताई हाथ नहीं है, 1% भी हाथ नहीं है। मैं आज भी दावे से बोल सकता हूँ अगर डेरा सच्चा सौदा का 1% भी हाथ था तो डेरा सच्चा सौदा आज क्यों चल रहा है? सर फिर ये मतलब बदनाम क्यों किया गया संत जी को, आखिर डेरा प्रेमियों को क्यों बदनाम किया गया सर? डेरा काफ़ी वजह हो सकती है जिसकी, ड्रग माफिया आप ले लीजिए, ड्रग माफिया का मेन हाथ है कि लाखों घर आज डेरा की वजह से सुखी हैं। तो कहीं ना कहीं आप अगर आज के दौर की बात करें, अगर सबसे मोटी इनकम है, अगर सबसे बड़ी ही आप एक बात सोचिए कि एक समांतर पानी और उसके अंदर जहरीली गैस, जहरीली दवाइयां डलाकर एक शराब बनाकर उसे हजारों रुपए में बेच देना, इससे मोटी तो कमाई नहीं है। बिल्कुल, यही है मेन रीजन, तो ड्रग माफिया हो गया। जब तो आप लोग सर शांतिपूर्ण माहौल रखे हुए थे वहाँ? बिल्कुल, हम शांतिपूर्ण माहौल थे, हमें तो जैसा निर्देश दिया गया था जैसा देश ने, अरे शांतिपूर्ण माहौल का तो आप खुद है ना कि 134-135, पता नहीं। एक बात बताओ, मीडिया पे बड़े आते हैं जी हमने भलाई कार्य किया, हमने ये किया, हमने वो किया जी। तो आज तक वो ग्राउंड लेवल पे क्यों नहीं दिखा? ग्राउंड लेवल पे तो अगर देखा जाए तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ना तो मुझे डिजिटल इंडिया दिखा है और ना ही स्वच्छ भारत मिशन दिखा है। तो सफाई महाअभियान इससे बड़ा कोई आपको जीता जागता उदाहरण नहीं मिलेगा जी।
सर वैश्यावर्ती को के लिए गुरु जी ने क्या किया आखिर? वैश्यावर्ती एक ऐसा मान लो महाप्रोपकार बोल दिया जाए कि ये वाक्यों सृष्टि में यूनिवर्सल चेंज था ये जी, इसे बुलाया नहीं जा सकता। और मैं फिर भी ये मानूंगा कि उससे धन्य वो लोग थे जो आजकल तो क्या है कि अपनी बीवी बे शक हो जाए तो रिश्ते टूट जाते हैं। तो सब कुछ आंखों के सामने होता हुआ भी ये सब कुछ करना, ये गुरु जी की एक सच्चे संत की कृपा से ही होता है। आम इंसान इसे नहीं कर सकता। अगर आम इंसानों के हाथ होता होता तो आज नेता प्रतिनेता कितना बड़ा संसार है वो क्यों नहीं कर पाए। सर समाज को संत जी की जरूरत है आज? वाकई आज जरूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन रेप के केसेस और काफ़ी कितने ही ये बढ़ते जा रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का देख लो, अगर स्वच्छ भारत मिशन का देखा जाए तो उनका फ्लोप हो रहा है। चलो अभी नियंत्रण, हम फिर भी धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी, क्योंकि उन्होंने एक बीड़ा उठाया, वो सफल नहीं कर पाए। जब कर पाए वो उनको भी पता कि हज़ारों करोड़ रुपये लगा दिए, पर वो उस ट्रैक पर नहीं आया जिसकी हम एक कामना एक सोच थी कि हाँ वाकई में एक स्वस्थ भारत होगा। सर और गुरुजी ने बिना रुपए लगाए कर दिया ये सब कुछ? हाँ गुरुजी ने तो बिना रुपए लगाए किया ये सब कुछ। अभी मतलब बिना रुपए लिए किसी से? बिल्कुल बिल्कुल जी। सरकार अभी से क्या अपील करोगे सर? सरकार से, माननीय अदालत से, सरकार से, सभी से अपील है कि इस पर पूर्ण विचार किया जाए और जो भी सही निर्णय है। देखो गलतियां इंसान से होती हैं, पर एक एक मौका ऐसा होता है कि उस गलतियों को सुधारा जा सकता है। हम माननीय अदालत से भी ये दरख्वास्त करते हैं कि जो भी सच है वो दुनिया के सामने आए और डंके की चोट पर एक दिन आएगा भी। अभी आप देखिए कि कुंभ के मेला की वहाँ काफ़ी तैयारी हो रही है, तो कितने हजारों करोड़ का बजट है वहाँ पे। ICCR की मेरे पास सारी रिपोर्ट है, इंडियन काउंसिल कल्चर ऑफ रिलेशंस की, हजारों रुपए क्या कर रहे हैं कि वो कुंभ में नदी को गंदा करने के लिए हजारों करोड़ वेस्ट कर रहे हैं। आकाश कभी यही पैसे उस नदी को साफ करने के लिए लगाए होते तो भारत एक नई तस्वीर में दिखता हमें आज। बिल्कुल सही बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे कि आपने देखा कि बहुत पहलू आए हैं सामने, जब संत जी के भक्तों से पूछा गया और जो भी डेरा से जुड़े हुए हैं उनसे पूछा गया। सबसे बड़ा तो रीज़न ये है संत जी पे आरोप लगाने का कि शराब जो रुकवाई थी गुरु जी ने, नशा रुकवाया था और वैश्यावृत्ति रुकवाई थी, तो लोगों को कहीं ना कहीं ये संदेह था कि हमारे जो धंधे हैं वो कहीं ना कहीं बंद ना हो जाए। इतिहास अपने आप को फिर से दोहरा रहा है, आज फिर से एक सच्चे संत पर उंगली उठाई जा रही है। फैसला आपने करना है कि इतिहास को दोहराने देना है या इतिहास को बदल के पहली बार हमारे समाज को बदलना है। जो भी राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखिएगा।